उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला टापा खुर्द में संदिग्ध परिस्थितियों में सिरसागंज से रिश्तेदारी में आई युवती को गोली लगी। गोलीकांड के बाद परिजन युवती को लेकर मौके से फरार हो गए। एसएसपी फिरोजाबाद सचिन पटेल ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद कमरे में खून पड़ा था। एसएसपी फिरोजाबाद ने कहा है कि युवती को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति द्वारा घटना की जानकारी दी गई थी। घटना गंभीर है, कमरे में खून मिला है, अभी भी सभी परिजन फरार हैं। युवती को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद ही घटना का सही आंकलन हो पाएगा। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। देखिए, अभी एक सूचना प्राप्त हुई है उत्तर थाना क्षेत्र के टापक खुर्द मोहल्ला पड़ता है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया कि एक मकान है, ये कमरा है, जिसमें किसी लड़की को गोली लगी है और उसके परिजन और पड़ोस के लोग उसको यहाँ से लेके चले गए हैं। अभी उस लड़की का भी ट्रेस नहीं हो पाया है कि वो लड़की को लेके परिजन कहाँ गए हैं और उसकी क्या स्थिति है। और पूरी घटनाक्रम में जो मौके पर साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे कमरे में ब्लड वगैरह है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक गंभीर घटना यहाँ पे हुई है। लड़की को हम लोग अभी ट्रेस करा रहे हैं, परिजनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अभी घर से फरार हैं यहाँ से, तो जैसे ही उनको हम लोग ट्रेस आउट कर लेंगे तो पूरा घटना का विवरण निकल के आएगा सामने। ये पता चल रहा है किसने गोली मारी है और कौन? अभी देखिए, अभी तो ये भी नहीं पता है कि लड़की को चोट कहाँ लगी, उसके साथ क्या घटना हुई है। लड़की को हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, संभवतः सिरसागंज की वो बताई जा रही है और अपने उसके परिजन भी साथ में है उसके, तो अभी हम लोग ट्रेस करा रहे हैं। जैसे ही उनका ट्रेस आउट होगा तो पूरा घटनाक्रम जो है उसमें क्लियर होगा।